फास्टिंग में जब लगातार फल और मीठा खा खा कर बोर हो गए हैं तो अपने लिए आप बना सकते हैं यह चटपटे और मसालेदार आलू मूंगफली। रेसिपी बहुत ही आसान है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो हम बनाते हैं आज यह मसालेदार आलू मूंगफली। इसको बनाने के लिए मैंने ज़्यादा नहीं, बहुत ही नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। हम सबसे पहले लेंगे दो उबले हुए आलू, मूंगफली के दाने। उसके बाद हमने लिया है जीरा, अजवाइन, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, हरी मिर्च। आपको जितना तीखा खाना हो उसके अनुसार आप हरी मिर्च ले सकते हैं। ये हमने गोलकी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर लिया है। ये जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर है। ये हमारा सेंधा नमक है और साथ में हमने लिया है आमचूर पाउडर, ताकि हमारे जो आलू हो वो काफ़ी चटपटा हो और स्वादिष्ट भी हो। चटपटे आलू के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारी मूंगफली थी उसको भून लेना है। तो उसके लिए मैंने हाफ चम्मच ही घी लिया है ताकि हम लोग मूँगफली को रोस्ट कर सकें। ये मैं मूँगफली ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे, आंच को बहुत तेज नहीं रखेंगे। अगर आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जब तक हमारी मूँगफली भून रही है हम आलू को छील के काट लेंगे। ये हमारा आलू कट गया है। ये हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से भून गई है, ये सुनहरा हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम आलू भूनेंगे तो इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले घी। हमने ज़्यादा घी नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है, एक चम्मच के लगभग। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, आधा चम्मच जीरा है। हमने कुछ कड़ी पत्ते डाल दिया है। जीरा जब चटक जाए तब मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है इसे। अब मैं इसमें उबले हुए आलू को ऐड कर रही हूँ। हल्का सुनहरा होने तक हम इसे भूनेंगे। यहाँ मैंने जो घी लिया है यह पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप कुछ हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसकी जगह पे सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में और ख़ासकर नवरात्रों के व्रत में सरसों का तेल भी उपयोग में ला सकते हैं या फिर रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप इसे घी में ही भूनें। जब तक हमारा आलू भून रहा था मैंने ये जो मूँगफली थी जिसको मैंने रोस्ट किया था
उसको दरदरा करके पीस लिया है। क्योंकि मैंने तेल में इसको भूजा था इसलिए इसके छिलके पूरी तरीके से अलग नहीं हो रहे, तो आप इसके चाहे तो छिलके अलग भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। यह देखिए हमारा आलू जो है सुनहरा भुन गया है, तो अब इसमें थोड़ा मसाले ऐड करेंगे। यह मेरा जीरा पाउडर है आधा चम्मच के लगभग है, 1/4 हमने काली मिर्च लिया है, जिसे तीखा पसंद है वो ले सकता है नहीं तो उसको कम भी ले सकते हैं। आधा चम्मच के अराउंड मैंने लिया है आमचूर पाउडर, थोड़ी अजवाइन भी हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे जो स्वाद है थोड़ा और बढ़ जाता है। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे अब ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही, इसको 2 मिनट के लिए ही इसको हम इस तरीके से धीमी आंच पर या फिर मीडियम फ्लेम पर इसको भुनेंगे। अब हम इसमें जो भुनी हुई मूंगफली थी जिसको हमने हल्का दरदरा कर लिया था उसको भी मिला लेंगे। यह देखिए, और जो इसमें से इसका अरोमा आ रहा है, इसकी जो हल्की हल्की सी सुगंध आ रही है वो भी इसे जायका दे रही है, और लग रहा है कि यह कितना स्वादिष्ट बना है। ज़्यादा नहीं, बस और 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। देखिए कितना देखने में स्वादिष्ट और आकर्षक लग रहा है। बस यह पूरी तरीके से बन चुका है। अब इसमें बस कुछ नहीं, हम इसके जो फ्लेम है उसको बंद करके ऊपर से नींबू ऐड कर देंगे। नींबू का रस जो होता है, मैंने आधा नींबू का रस लिया है, वह इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा खटास भी हो। सबसे आखिरी में नींबू इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि अगर शुरू में ही डाल देते तो यह कड़वा हो जाता है। इस तरीके से देखिए हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सबसे आखिरी में हम इस पर धनिया पत्ती डाल करके गार्निश करेंगे। देखिए यह हमारा तैयार है मसालेदार चटपटा आलू मूंगफली। व्रत में आप इसको स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं, जब भी आपके मुंह का स्वाद थोड़ा सा लगातार फास्टिंग करने के बाद जो कुछ खाने को मन करता है तीखा और चटपटा, तो आप इसे बना करके व्रत में आसानी से खा सकते हैं।